संजय जी, अगर मैं इससे अलग एक सवाल ये पूछूं कि क्या कारण है कि ठाकरे परिवार को निशाना बनाया जा रहा है? आप सुशांत सिंह राजपूत में आदित्य ठाकरे को निशाना बनाने की कोशिश की, रश्मि शुक्ला की जो चिट्ठी जो रिपोर्ट है उसमें भी आदित्य ठाकरे का नाम है, उसमें उद्धव ठाकरे का नाम है, ये बार बार ठाकरे परिवार को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? बॉम्बे के अंदर अगर कोई शिवसेना के ठाकरे परिवार को निशाना बनाता है, इसका कारण क्या समझते आप? कारण आपको भी मालूम है, सर्वाधिकारी है शरद पवार जी और ठाकरे परिवार के ऊपर जब तक आप निशाना नहीं साधेंगे तब तक आपकी राजनीति नहीं होती देश में और महाराष्ट्र में। सर्वोच्च पद पर बैठे हुए नेताओं पर ही निशाना साधा जाता है ना। और सरकार ठीक चल रही है, सरकार ठीक चलेगी ये सबको मालूम है। तो जब तक ये सरकार चलती है तब तक ये चलता रहेगा। हम भी बोलते हैं कि चलने दो, चलता रहे, आपका भी ऑपोजिशन का दुकान चलना चाहिए, आपका भी दुकान चले, लेकिन हमारे सरकार का बाल भी बाका नहीं होगा। हमारे पास जो बहुमत है आप उसको तोड़ नहीं सकते, बहुत कोशिश हो गई 1.5 साल में। क्या आप ये मानेंगे कि ठाकरे परिवार से भी गलतियां हुई इस मामले में? नहीं नहीं, मैं कैसे बोल सकता हूँ क्या गलतियां है, आप मुझे बताइए। नहीं, इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि जब बाला साहब थे तो मुंबई में किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी, ना तो पक्ष में ना विपक्ष में। आज 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 उनके बेटे और उनके पोते पर यह गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी। नहीं नहीं, आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे कभी डायरेक्ट पावर पे नहीं आए थे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बने थे। अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है या मंत्री बनता है तो जरूर इसके ऊपर लोग उंगली उठाते हैं, तो उंगली उठाने दो, हम जवाब देंगे। तो आप इस बात को डिनाई करते हैं कि इनका ट्रांसफर पोस्टिंग में किसी तरीके से ठाकरे परिवार या आपकी सरकार किसी आदमी का हाथ है? हो ही नहीं सकता। जो लेटर की जो आप बात कर रहे हो ना, वो लेटर गलत तथ्यों पर आधारित है। जो लेटर में लिखा है, जो रिपोर्ट है, उस मुताबिक कोई बात ही हुई नहीं है। ये सबको मालूम है, ये देवेंद्र जी को भी मालूम है, फिर भी लेटर लेकर यहाँ वहां घूम रहे हैं, ये उनको शोभा नहीं देता। तो दोनों मामलों की जांच कराएगी आपकी सरकार? जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री चाहते हैं जांच हो जी, रिटायर्ड हाईकोर्ट जज से जांच हो, उनकी इच्छा है। और कर देंगे। ये भी कहने मारा कि कांग्रेस पार्टी आप लोगों को पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं करे, अपने आप को डिस्टेंस मेंटेन करके रहे, ऐसा सच है? नहीं, ये बात सही नहीं है। कांग्रेस पार्टी हो, एनसीपी हो, शिवसेना, तीनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ज्यादा होकल नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे के साथ हमारा कम्युनिकेशन डायलॉग चाहे दिल्ली में हो चाहे महाराष्ट्र में हो, निरंतर हमारा डायलॉग चल रहा है। आपकी सरकार गिरने वाली नहीं है? कोई सपना अगर देखता है तो सपना देखने दो ना, सपना देखने में तो टैक्स नहीं है, जीएसटी नहीं है, चलने दो। बट राज्यपाल महोदय के प्रति आश्वस्त हैं, उनसे तो आपका 36 का आंकड़ा रहता है, और मोदी सरकार जो है वो सरकारों को गिराने में भी उनकी कोई बहुत। देखो, महाराष्ट्र के राज्यपाल का जो राजभवन है वो बीजेपी का हेडक्वार्टर बन गया है। अब हेडक्वार्टर में जाकर बीजेपी के लोग बैठते हैं, राज्यपाल महोदय को क्या बताते हैं, क्या कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ अगर राजभवन में भी कोई लोग जाकर बैठते हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचते हैं तो मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। आप बिजी रहिए किसी काम में, आप बिजी रहिए, आप फ्री मत बैठिए, आप कुछ ना कुछ करते रहिए, यही राजनीति है। आज आपके पास स्टेट में कुछ काम नहीं है तो राजभवन में जाकर बैठिए, एक अच्छा आपको एक इतना समुद्र के किनारे इतना अच्छा पैलेस मिला है, आप वहां जाकर हमारे खिलाफ राजनीति करते रहिए। अगर आपको कुछ जरूरत है खाने पीने की बैठने की, हम आपको भेज देंगे। देवेंद्र फडणवीस तो आपके पुराने दोस्त रहे हैं, उद्धव ठाकरे से अच्छी दोस्ती, वो क्यों इतने नाराज? आज भी है, क्यों नहीं? देखिए, राजनीति अलग होती है, व्यक्तिगत संबंध अलग होते हैं। आज भी हमारे उनके अच्छे रिश्ते हैं, जब सामने आते हैं बैठते हैं चाय पीते हैं खाते हैं। तो उनसे आप ये नहीं कहते कि आप हमारी सरकार क्यों डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, क्यों उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं? नहीं, देखो ये वो उनकी ड्यूटी कर रहे हैं, एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन उनका काम है। हमारी मोदी जी की सरकार नहीं, हमारे ठाकरे जी की सरकार है, हम डेमोक्रेसी को मानते हैं। अपोजिशन का काम है हमको अस्थिर करना, हमारे ऊपर उंगली दिखाना, हमारा काम है उनके साथ जो फैक्ट है वो सामने लाना, लोगों के सामने
अगर देवेंद्र जी ये करना चाहते हैं, और 3 साल तक उनको ये करना ही पड़ेगा, जब तक चुनाव के मैदान में आप एक दूसरे के सामने नहीं आते तब तक उनको ये करना ही चाहिए। ठीक है संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे संजय राउत जी, जो अपने बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 5 साल सरकार चलने वाली है, देवेंद्र फडणवीस जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, और जो आरोप लगे हैं उन आरोपों की जांच होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।